मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। उन सभी अंगों की आकृति और कार्य अलग अलग हैं। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मानव शरीर के विभिन्न अंगों की आकृति किस प्रकार बनती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम गुड़िया बनाने के बारे में सोचते हैं। जब आप गुड़िया बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनाओगे? संभवतः आपका उत्तर होगा कि गुड़िया बनाते वक्त सबसे पहले हम एक ऐसे ढांचे का निर्माण करेंगे जिसके ऊपर गुड़िया के दूसरे अंगों को बनाया जा सके। यह ढांचा उस गुड़िया के दूसरे भागों को कठोरता प्रदान करता है। यदि यह कठोर ढांचा नहीं होगा तो गुड़िया सिकुड़कर एक गेंद की भांति हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर भी एक ठोस ढांचे के ऊपर बना हुआ है जिसका निर्माण हड्डियां, जिसको हम अस्थियां भी कहती हैं, करती हैं। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर के सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रखिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। इस चित्र को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अभी जो आपने कार्य किया उससे कीजिए। हम देखते हैं पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की उंगलियों को छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है?
अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? अपने मित्र को खड़े होकर दोनों हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए वह अपने दोनों हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करें। क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। यहां पे ध्यानपूर्वक देखिए, यह संरचना श्रोणी अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती हैं। यह गुल्ले का वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग हैं। मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती हैं। हमने अपने कंकाल की बहुत सारी अस्थियों के बारे में चर्चा की। इन अस्थियों के अलावा हमारे कंकाल में और अंग भी होते हैं जो अस्थियों जितने या यूं कहें हड्डियों जितने कठोर नहीं होते। हड्डियों को मोड़ा नहीं जा सकता, परंतु जो दूसरे अंग हैं उनको मोड़ा जा सकता है। इन अंगों को उपास्थि कहते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना हमारी कर्णपाली? परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है, ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती हैं। हमने देखा मानव कंकाल विभिन्न अस्थियों, उपास्थियों एवं संधियों से मिलकर बना है। आप इनमें से बहुत को मोड़ सकते हैं, देख सकते हैं और गति दे सकते हैं। उदाहरण के लिए दांत ऐसी हड्डियां हैं जो हमें दिखाई देती हैं। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, अपनी नोटबुक के अंदर मानव कंकाल का साफ सुथरा चित्र बनाना है। हमने अभी तक विभिन्न अस्थियों एवं उनकी संधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है जो हमारे शरीर को गति प्रदान करने में सहायता करती हैं, या यूं कहें जो हड्डियां सामान्यतया हम कहते हैं जो मुड़ती नहीं हैं उनको गति प्रदान करने का कार्य करती हैं। आइए अब इस बात का पता लगाते हैं कि अस्थियों को गति देने का कार्य कौन करता है और किस प्रकार होता है। अपने हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। संकुचित होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों के अंदर भी इसी प्रकार के संकुचन को देख सकते हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है।
जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है, युगल की दूसरी पेशी स्थिर अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब स्थिर पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब स्थिर हो जाती है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी मोटी एवं कठोर हो जाती है और यह अस्थि को खींचती है। एक ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है, पेशी केवल खींच सकती है, यह धक्का नहीं दे सकती। इसी वजह से अस्थि को गति कराने के लिए दो पेशियों की आवश्यकता होती है। इसको समझने के लिए एक सामान्य उदाहरण मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ। इस उंगली को अगर मान के चले, मैं इस उंगली को इस तरीके से नीचे की तरफ मोड़ता हूं तो नीचे की तरफ वाली पेशियों में संकुचन होता है। आप ध्यान से देखिए, जब मैं इस उंगली को मोड़ रहा हूं तो मेरी जो नीचे की पेशियां हैं, यहां की जो पेशियां हैं वो मोटी हो जाती हैं। तो इस ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये खींच रही है, यहां पे अब पेशियां काम नहीं कर रही है, ये खींच रही है। अब क्या होगा, वापिस अगर मुझे उंगली को इसी दिशा में लेके जाना होगा तो अब की बार ये पेशियां काम करेंगी, ये खींचेंगी, ये खींचेंगी तो मेरी उंगली ऊपर की तरफ जाएगी। तो आप इस चीज को महसूस भी कर सकते हैं, कभी आपके हाथ के ऊपर चोट लगी हो ऊपर या नीचे तो आपने देखा होगा आपकी उंगली को मोड़ने में आपको तकलीफ होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि अगर आपके इस हिस्से में चोट लगी होगी तो आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा या तकलीफ होगी, या आप इस हिस्से में चोट लगी होगी तो आप इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपको दर्द महसूस हो सकता है। तो यहाँ से हम इतना समझ सकते हैं कि किसी भी अस्थि को कार्य करवाने के लिए दोनों पेशियों को, इस तरफ की भी और इस तरफ की भी, जो एक जोड़ा पेशी है वो एक साथ उनको कार्य करना पड़ता है। क्या अभी तक जो मानव शरीर के अंदर गति के बारे में हमने समझा, जिसमें हमने पाया कि अस्थियां और पेशियां मिलकर कंकाल को या मानव शरीर को गति प्रदान करती हैं। अब बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए और अपने शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार की गतियों का अनुभव कीजिए। आप पलके झपकते हैं, श्वास लेते हैं, इस दौरान शरीर में किस प्रकार की गतियां होती हैं, इनको अनुभव करने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ शरीर में गतियां इस प्रकार से होती हैं जिसमें आपको उन गतियों को करने के लिए किसी प्रकार के कार्य या सोचने की आवश्यकता नहीं होती। ये गतियां अपने आप होती रहती हैं। जैसे पलके झपकने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, आपकी पलकें अपने आप ही झपकती रहती हैं। इसी प्रकार जब आप श्वास लेते हैं तो भी आपको सोचना नहीं पड़ता या शरीर में गति करने की जरूरत नहीं पड़ती, यह अपने आप होती रहती है। ऐसी ही और गतियों को अपने शरीर में अनुभव करने का प्रयास कीजिए। इन सभी उदाहरणों में गतियाँ अपने आप हो रही हैं, परंतु जब आपको अपने मित्र या आपको अपने विद्यालय में जाना होता है तो आपको वहां तक चल के जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जब आप पानी पीते हैं तो आपको गिलास उठाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको इधर उधर देखना होता है तो आपको आपकी गर्दन मोड़नी पड़ती है। इसी प्रकार से अनेक जीवों में अगर हम बात करें तो गतियां अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं। जैसे गाय के बारे में अगर हम बात करें तो गाय जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो अपने पैरों का उपयोग करती है और वह वहां तक चल के जाती है। इसी प्रकार मनुष्य में भी गतियां देखी गई हैं। आप अन्य जीवों में भी इसी प्रकार की गतियों का अनुभव कर सकते हैं। इन अनुभवों के लिए, इन गतियों के बारे में, विभिन्न प्रकार के जीवों में गतियों के बारे में अपने मित्रों, अपने अध्यापकों, अपने परिवारजनों के साथ चर्चा कीजिए और एक सारणी बनाइए। इस सारणी में हम जंतु के एक स्थान से दूसरे स्थान पर
कैसे गमन करते हैं इस बारे में भरेंगे। सबसे पहले कॉलम में यहाँ पे जंतु लिखे गए हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, जैसे गायें, मनुष्य, सांप, पक्षी, कीट, मछली। आप चाहें तो और जंतु भी इसमें जोड़ सकते हैं। अपने परिवारजनों या अपने मित्रों या अपने अध्यापकों से चर्चा करके, या आपको भी स्वतः ज्ञात होता है तो इसमें अन्य जंतु भी आप जोड़ सकते हैं। गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग, जो दूसरा कॉलम है, यहाँ पे हम किस भाग का, शरीर के किस अंग का इस्तेमाल करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। यहाँ पे गमन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो यहाँ पे जैसे गाय की हमने चर्चा की, वो पैरों से चल के एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है, तो इस तरह से उसने गमन करने के लिए पैरों का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे आप शरीर का कौन सा अंग इस्तेमाल होता है वो आपको इस कॉलम के अंदर भरने हैं। जैसे मनुष्य के बारे में लिखेंगे, सांप की अगर हम बात करें तो वो संपूर्ण शरीर के साथ चलता है, उसका पूरा शरीर चलता है, तो यहाँ पे संपूर्ण शरीर लिखा। इसी तरह अन्य जीवों के लिए भी आप लिखेंगे। तीसरा कॉलम जो बना हुआ है वो जंतु कैसे गमन करते हैं। दूसरे कॉलम में हमने प्रयुक्त होने वाले अंग थे, और जो तीसरे कॉलम है उसके अंदर हम वो कैसे गमन करेंगे यह चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको भरना है गाय। गाय कैसे गमन करती है, वो चल के जाती है। जैसे कोई अन्य जीव पानी में तैरता है, सांप रेंगता है, तो वो किस प्रकार से गमन करता है, उसका गमन करने का तरीका क्या है, इस बारे में हमें तीसरा कॉलम है इसके अंदर भरना है। इस सारणी को भर लेने के पश्चात आइए अब मानव शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों को समझते हैं। आप अपने मित्र, अपने परिजनों या अपने शरीर को भी ध्यानपूर्वक गति करते हुए देख सकते हैं। जब आप चलते हैं तो चलते वक्त आप अपने शरीर के किस अंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही जब आप खेलते हुए गेंद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंकते हैं तो आपको आपके किन अंगों का उपयोग करना पड़ता है। व्यायाम करते वक्त आपके कौन कौन से अंग किस तरह से मुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप व्यायाम करते हैं और आप पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो क्या आपका शरीर पीछे की तरफ भी मुड़ पाता है, या आप अपनी कोहनी को जब मोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो कहाँ तक मुड़ती है। इसके अलावा गर्दन आपकी किस तरीके से मुड़ सकती है, या इसी तरह के और अनुभव करने का प्रयास कीजिए। इन सभी अनुभवों को आप अपनी नोटबुक में सारणीबद्ध करने का प्रयास कीजिए। आपको एक सारणी का निर्माण करना है जो कुछ इस तरह से हो सकती है। यहाँ पे हमारे शरीर में होने वाली गतियों के बारे में हम एक सारणी बनाएंगे। इसी तरह की सारणी आपको आपकी नोटबुक में बनानी है। जो पहला कॉलम है यहाँ पे शरीर का भाग लिखा गया है। इसमें गर्दन, कलाई, अंगुलियां, घुटने, एड़ी, पादांगुली, पादांगुली का मतलब जो पैरों की उंगलियां होती है वो, पीठ, सिर, कोहनी, भुजा। यहाँ पे दूसरा जो है वो गति के बारे में कॉलम बनाया गया है, और इसके फिर कई और कॉलम इसके अंदर बनाए गए हैं। इसको आपको भरना कैसे है, पूर्णतः घूमता है। क्या आपकी गर्दन पूर्णतया घूम सकती है, क्या वो चारों तरफ हर दिशा में चक्कर लगा सकती है, यह आपको लिखना है। गर्दन को मोड़ के देखिए वो गर्दन कहाँ तक मुड़ती है। अगर वो पूर्णतया चारों दिशाओं में हर जगह पे घूम सके तो आप पूर्णतया में हाँ भर दीजिए, अगर वो नहीं घूम सकती है तो आप नहीं भर देंगे। इसी तरह से कलाई के बारे में लिखें, अंगुलियों के बारे में, यानी कि वो कहाँ तक घूम सकती है, वो लिखना है इस कॉलम के अंदर। क्या आपकी कोहनी हर दिशा में मुड़ सकती है, क्या पूर्णतया घूम सकती है, इसी तरह से सभी जो भी शरीर के अंग हैं उसके बारे में आपको भरना है। उसके बाद जो अगला कॉलम है वो है अंशतः घूमता या मुड़ता है। अंशतः का मतलब पूरी तरह से नहीं, परंतु कुछ हिस्सा या कुछ हद तक वो मुड़ सकता है या घूम सकता है। जैसे गर्दन, हमारी गर्दन, आपको पता है कि गर्दन हमारी इस तरह से इसके बाद नहीं मुड़ सकती। इसी तरीके से मैं इस तरफ मोड़ूं तो इसके बाद गर्दन मोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो आपको यहाँ पे सारणी के अंदर अंशतः या कुछ हद तक ही मुड़ सकता है में हाँ भरना है। उसी तरह से कलाई, अंगुलियां,
घुटने आदि के बारे में आप इस कॉलम के अंदर लिखते चले जाएंगे। उसके बाद झुकता है, कौन सा शरीर का हिस्सा, कौन सा अंग, जैसे गर्दन झुक सकती है, कलाई झुक सकती है, उंगलियां झुक सकती है या नहीं, घुटने झुक सकते हैं या नहीं, वो कितना झुक सकता है, इसके बारे में आपको विभिन्न अंगों, शरीर के अलग अलग अंगों के बारे में जानकारी यहाँ पे आपको भरनी है। उसके बाद आपको उठता है, गर्दन क्या ऊपर की तरफ उठ सकती है, ये आप इसके बारे में इस कॉलम के अंदर भरेंगे। कलाई आपकी क्या ऊपर की तरफ उठ सकती है, उंगलियां आपकी क्या ऊपर की तरफ उठ पाती हैं, घुटने आपके किस तरीके से कहां तक उठ पाते हैं, उठ पाएंगे या नहीं, वो यहां पे हाँ या ना में आपको भरना है। एड़ी आपकी, पादांगुली, पीठ, सिर, कोहनी, भुजा, इन सब के बारे में जानकारी आपको इस कॉलम में भरनी है। इसके अलावा शरीर में कुछ अंग ऐसे भी हो सकते हैं जो गति नहीं करते, जो एक स्थान पर रहते हैं, जिनके अंदर हम गति अनुभव नहीं करते। तो इस अंतिम कॉलम में हम यही भरेंगे कि वह गति बिल्कुल नहीं करता है। यहाँ गर्दन अगर बिल्कुल गति नहीं करती तो आप हाँ करेंगे, परंतु गर्दन तो मुड़ सकती है, इसलिए यहाँ पे गर्दन बिल्कुल गति नहीं करता, हम यहाँ पे नहीं भरेंगे। उसी तरह से कलाई के लिए, अंगुलियों के लिए, घुटने के लिए, या जो भी शरीर के विभिन्न अंग यहाँ पे लिखे गए हैं, इन सभी कॉलम के अंदर आपको भरनी है। तो यह इसी प्रकार की एक सारणी आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे और इन सभी को भरेंगे। इस तरह से यह सारणी आपको पूर्ण करनी है। अब इस सारणी को भर लेने के पश्चात आप जान पाएंगे कि हम शरीर में कुछ अंगों को तो मोड़ सकते हैं, पूर्णतया मोड़ सकते हैं, परंतु शरीर के कुछ अंग पूर्णतया नहीं मोड़ सकते। आपने देखा कि जैसे आप अपनी कोहनी को मोड़ते हैं तो कोहनी यहाँ पे तो मुड़ जाती है, परंतु इसके बाद अगर इसको मोड़ना चाहें तो कोहनी हमारी नहीं मुड़ पाती। तो इसी तरह से आप अपनी उंगलियों को देखें तो आप अपनी उंगलियों को इस तरफ तो मोड़ सकते हैं, परंतु आप उंगलियों को ऐसे करके मोड़ना चाहेंगे तो फिर ये नहीं मुड़ पाती। तो ये क्या कारण है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं, क्या कारण हो सकते हैं, यह हम अब जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए अब गतियों को समझने का प्रयास करें। यहाँ पे एक बच्चा आपको दिखाई दे रहा है जिसके साथ में लकड़ी का एक यह फट्टा बांध दिया गया है उसके हाथ पे, यहाँ पे इन दोनों जगहों पे बांधा गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ से कि क्या यह अपनी कोहनी को मोड़ पाएगा, क्या यह अपनी भुजा को मोड़ पाएगा। तो आप ध्यान से देखिए और ऐसा ही प्रेक्षण अगर आप अपने साथ भी करेंगे या अनुभव करेंगे तो हमें यह ज्ञात होगा कि यह इस स्थान से, जिसको हम कोहनी कहते हैं, कोहनी के ऊपर से भुजा को नहीं मोड़ पाएगा, परंतु यह कंधे के ऊपर, यहाँ से जो इसका कंधा है इसके ऊपर से भुजा को ऊपर की तरफ मोड़ पाएगा, वह ऊपर या नीचे गति कर। अब यहाँ से हम यह समझ पाते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ उसी जगह से मुड़ सकता है जहाँ पे कम दो जोड़ लगे हों, यानी कि हमारा शरीर सिर्फ जोड़ों पर से मुड़ सकता है। यहाँ पे क्योंकि इसका जो बाकी शरीर था यह सारा यह था और एक हिस्सा यह मिल गया, तो कंधा जो है उसका जोड़ का कार्य करेगा, तो सिर्फ वह कंधे पर से मोड़ पाता है। यहाँ पे एक मोड़ था जिसको हमने यह फट्टा लगाकर, लकड़ी का फट्टा लगाकर रोक दिया, इस वजह से अब यह यहाँ से नहीं मोड़ पाएगा, सिर्फ कंधे पर से मोड़ पाता है। तो इससे हमें यह ज्ञात हुआ कि गति करने के लिए हमें जोड़ की आवश्यकता होती है, या शरीर का वही हिस्सा गति कर पाता है जहाँ पे जोड़ हो। अगर हमारे शरीर के हिस्से में जोड़ नहीं होगा तो वह हिस्सा गति नहीं कर पाएगा। इसी कारण से आप अपनी उंगलियों में गतियां महसूस कर सकते हैं जहां पे विभिन्न हिस्सों में जोड़ बने होते हैं। आपकी कलाई के ऊपर भी जोड़ बना हुआ है, आपकी गर्दन में भी जोड़ होंगे, आपके कंधे के ऊपर भी जोड़ होंगे, इसी वजह से यहां पे गतियां होती हैं। तो हम यहां तक कह सकते हैं कि गति करने के लिए शरीर में जोड़ की आवश्यकता होती है।
इसी जोड़ को संधि कहते हैं। अगर यह संधि हमारे शरीर में नहीं होती तो क्या हम गति कर पाते? संभवतया नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि गति करने के लिए हमें जोड़ या संधियों की आवश्यकता होती है, परंतु ये संधियां या ये जोड़ एक दूसरे के साथ किस प्रकार जुड़े रहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी हम आगे चल के जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हमने यह भी अनुभव किया कि शरीर के कुछ हिस्से तो पूर्णतया मुड़ पाते हैं, परंतु कुछ हिस्से एक निश्चित स्थिति के बाद नहीं मुड़ पाते। जैसे आपकी उंगलियां इस तरफ तो मुड़ गई, परंतु आप दूसरी तरफ मुड़ोगे तो इसके बाद आपकी उंगलियां नहीं मुड़ पा रही हैं। ऐसा क्यों है? तो इसको समझने के लिए हमें संधियों के विभिन्न प्रकार को समझना होगा, क्योंकि हमारे शरीर में संधियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की हैं और किस तरह की संधियां होती हैं, आइए इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। ये संधियां दो हड्डियों या अस्थियों के बीच में होती हैं। अस्थियां या मानव कंकाल के बारे में अभी अभी हमने जाना था। आइए अब इन विभिन्न संधियों के बारे में, किस किस हड्डी के बीच में कौन सी संधि होती है और यह किस प्रकार हमारी गति करने में सहायता करती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे शरीर में चार प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। कंदुकखलिका संधि, धुराग्र संधि, हिंज संधि और अचल संधि। आइए इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो संधि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यह कंदुकखलिका संधि है। इस चित्र में दिखाई गई कंदुकखलिका संधि जांग की अस्थि एवं श्रोणी अस्थियों को जोड़ रही है। यह संधि पेशियों के द्वारा, यहाँ पे पेशियों के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार से यह गति कर पाती है। इसकी खासियत यह है कि यह विभिन्न दिशाओं में घूम सकती है। इसको समझने के लिए कुछ इस तरह की आकृति हम समझ सकते हैं। यहाँ पे ये एक तरीके से कटोरा यहाँ पे बन जाता है और ये मान लिया जाए हमारी जांग की संधि है, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक श्रोणी अस्थि थी और दूसरी जांग की अस्थि थी, वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं इसको इसके अंदर से घुमाता हूँ तो यह किसी भी दिशा में आसानी से घूम जाएगा। इसी वजह से आप अपने पैर को चारों तरफ घुमा सकते हैं। आप देखते हैं कि पैर को किसी भी दिशा में आप जांग के ऊपर से मोड़ सकते हैं। वह कंदुकखलिका संधि के कारण ही संभव है। अब आप उन सभी गतियों का स्मरण कीजिए जो आप कंदुकखलिका के कारण कर पाते हैं। तो यह आपके पैरों को अलग अलग दिशाओं में गति करने में सहायता करती है। आइए अब अगली संधि धुराग्र संधि के बारे में जानकारी लेते हैं। यह धुराग्र संधि है जो सिर और गर्दन को जोड़ने का कार्य करती है। इस संधि की वजह से हम सिर को आगे पीछे दाएं या बाएं घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में यह बेलनाकार अस्थि एक छल्ले के अंदर घूमती है। हमारे गर्दन को इधर उधर मोड़ना, इधर ऊपर नीचे होना, यह धुराग्र संधि की वजह से ही संभव हो पाता है। आप धुराग्र संधि की इस गति को अपने आप करके भी अनुभव कर सकते हैं। यह गति किस प्रकार कंदुकखलिका की गति से भिन्न है? यह क्या आपके पैरों, आपके हाथों या उंगलियों की गति से भी भिन्न है? यह भी अनुभव करने का प्रयास कीजिए। आइए अब एक और संधि हिंज संधि के बारे में जानते हैं। हिंज का मतलब होता है कब्जा। अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो यह कब्जा संधि है। यह आपके दरवाजे के कब्जे के समान ही होती है। जिस प्रकार जब आप अपने दरवाजे को खोलते हैं तो वह एक निश्चित स्थान के बाद आगे नहीं घूम पाता, इसी प्रकार जो हिंज संधि है वह भी एक निश्चित स्थिति के बाद आगे नहीं घूम पाएगी। आपके कोहनी के अंदर
यहाँ पे हिंज संधि होती है, आपके पैरों के घुटने में भी हिंज संधि होती है। यहाँ पे उंगलियों की बात करें, यानी कि जो संधियाँ जहाँ पे वो एक अनिश्चित स्थिति के बाद आगे नहीं मुड़ पाती, वह हिंज संधि होती हैं। आइए अब इस हिंज संधि को देखें। यह घुटने की हिंज संधि है, यहाँ पे यह घुटना है हमारा। अब आप देखते हैं कि घुटने को सिर्फ एक दिशा में, यहाँ तक तो हम मोड़ सकते हैं, आप अपने पैर को बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, परंतु इससे आगे यह नहीं जा पाती, तो यहाँ तक ही यह मुड़ पाती है, एक निश्चित स्थिति तक मुड़ पाती है। यह कब्जे की आकृति की है, जैसे आपका दरवाजे के अंदर कब्जा होता है, वह एक निश्चित स्थान तक ही मुड़ पाता है। यह आपने अपने दरवाजे के अंदर लगे हुए इस तरह के कब्जों को अनुभव किया होगा, यह भी एक निश्चित स्थान तक ही मुड़ पाता है। उसी प्रकार यह संधि भी एक निश्चित स्थान तक ही मुड़ पाती है। हिंज संधि से सिर्फ एक ही दिशा में आगे या पीछे गति हो सकती है। आप इसके अन्य उदाहरण भी नोट कर सकते हैं। आइए अब हम हमारे शरीर में एक और संधि के बारे में चर्चा करते हैं। यह है अचल संधि। अचल नाम से ही पता चल रहा है, जो चल ना सके, जो एक जगह पे स्थिर रहे। तो फिर क्या ऐसी संधि की हमारे शरीर में आवश्यकता थी, और यह होती कहाँ पे है जो चलती नहीं है? तो चलिए इसको देखते हैं। यह मानव खोपड़ी है। मानव खोपड़ी के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जबड़ा होता है जिसके अंदर हमारे दांत, जीभ आदि चीज़ें होती हैं। क्योंकि दांत अस्थियाँ हैं और जीभ सिर्फ पेशीय होती है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अस्थियाँ आपको दिखाई हैं। यह हमारे शरीर का या हमारे जबड़े का ऊपरी हिस्सा है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है और यहाँ पे जो ये संधि पाई जाती है, तो यहाँ पे इस संधि को, यहाँ से आपने महसूस किया होगा कि जब आप खाते हैं या आप बोलते वक्त आपके जबड़े का सिर्फ नीचे वाला हिस्सा, सिर्फ ये हिस्सा जो आपके नीचे वाले दांत हैं, ये ऊपर या नीचे की तरफ होता है। तो सिर्फ जो गति होती है वो इसी हिस्से के अंदर, सिर्फ इसी हिस्से में हो पाती है। आप ऊपरी हिस्से के अंदर गति नहीं करवा पाते। इसी वजह से यह संधि जहाँ पे ऊपर की तरफ किसी प्रकार की गति नहीं होती, इसको हम कहते हैं अचल संधि। तो यह अचल संधि है, क्योंकि यह चलती नहीं है, इस वजह से इसका नाम अचल संबंधी रखा गया है। यह जबड़े एवं कपाल के मध्य में होती है। तो यहाँ तक हमने मानव कंकाल और विभिन्न संधियों और मानव शरीर में गति के लिए वो किस प्रकार सहायक हैं के बारे में चर्चा की। आप देखते थे कि मानव कंकाल हमारे शरीर को ठोस रूप या ढांचा प्रदान करता है, जो शरीर हमारा दिखाई देता है। हम सीधे खड़े हो पाते हैं, हम अपने आप को ठोस रूप दे पाते हैं, वो कंकाल के कारण है। मैंने आपको बताया था कि शरीर में विभिन्न गतियाँ जो अपने आप होती हैं, और कुछ गतियाँ ऐसी होती हैं जो हम करते हैं। जो अपने आप होती हैं उसमें सामान्यतया हड्डियाँ नहीं होती, वहाँ पे पेशीय गति होती है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की पेशियाँ या उपास्थियाँ होती हैं, वह भी शरीर को आकृति प्रदान करने में या एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करने में, या यूं कहें हमारे शरीर को गति करवाने व उसको आकृति देने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों में गति के बारे में हमने चर्चा की कि अस्थियों में जो गतियां होती हैं वह पेशियों के कारण हो पाती हैं, और जो दूसरा कारण था वह संधि था। क्योंकि शरीर में जहां पर जोड़ होगा गति वहीं पे संभव है, और जोड़ने वाली हड्डियों को हमने संधि कहा था। सिर्फ हड्डियों से संधि नहीं बनती, संधि के लिए पेशियों की आवश्यकता या उपास्थियों की आवश्यकता होती है, जो उनको एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। मान के चलिए अगर आपकी उंगलियों के बीच में पेशियाँ उपास्थियाँ नहीं होती, तो क्या यह यहाँ रुक पाती? हम इसको खींचते, और जैसे हमने आरंभ में देखा था, एक्सरे में देखा था कि हड्डियाँ टूटी हुई मिलती हैं, तो यह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं, टूटी हुई इधर उधर, या हमारी संरचना इस तरह की नहीं मिलती। तो हमारे शरीर को बनाने में अस्थियों, उपास्थियों और मांसपेशियों का योगदान होता है। इसके साथ ही हमारे शरीर को गति देने में भी इन तीनों का योगदान होता है।
तीनों चीजें अस्थियां, उपास्थियां एवं मांसपेशियां मिलकर मानव शरीर को गति देती हैं, उसको जीवंत रूप देती हैं। तो क्या सिर्फ यह मानवों में ही होता है, अन्य जंतुओं में यह किस प्रकार होता है, क्या उनके अंदर भी अस्थि, उपास्थि या पेशियां होती हैं, क्या सभी जीवों में इसी तरह की पेशियां होती हैं, और अगर किसी जंतु में अस्थियां नहीं होती तो फिर क्या वो गति कर पाएंगे, तो यह सारी चीजें हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो अभी तक जितनी भी संधियों के बारे में हमने चर्चा की, उन सभी संधियों के साफ सुथरे चित्र आपको अपनी नोटबुक के अंदर बनाने हैं, और उनके बारे में वह संधियां क्या हैं और किस प्रकार कार्य करती हैं, किन किन हड्डियों के बीच में वह संधियां हैं, इसके बारे में भी आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।